अब एक और बड़ी खबर, बेंगलुरु ब्लास्ट मामले को लेकर ही इस पर तेज हो गई है सियासत। बीजेपी ने ममता सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं। बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित पनागा है क्योंकि ये दोनों पकड़े वहीं से गए। वहीं बंगाल पुलिस ने मालवीय को जवाब दिया है, मित मालवीय को जवाब भी दिया है। तो जहां दो गिरफ्तारियां होती है, एनआईए दो आरोपियों को पकड़ती है, उसके बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। तो बेंगलुरु टू बंगाल ब्लास्ट पर जमकर बवाल हो रहा है और दो आरोपियों को एनआईए ने पकड़ा है। अमित मालवीय बीजेपी के नेता हैं, आईटी सेल के हेड हैं। उन्होंने कहा है कि एनआईए ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट में दो मुख्य संदिग्धों मुसाफिर हुसैन शाजिब और साथी अब्दुल मतीन अहमद ताहा को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर गंभीर आरोप है कि इन्होंने ना सिर्फ इसका प्लान तैयार किया, खाका तैयार किया, बल्कि वहां पर ले जाकर आईडी को प्लांट भी किया, यानी वहां पर रखा, जिससे धमाका हुआ। कोलकाता से हिरासत में लिया गया है। पश्चिम बंगाल दुर्भाग्य से ममता बनर्जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। यह आरोप बीजेपी का।